विश्व की नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा, हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 6263311424। खंडवा में सियाराम चौक में झुग्गी झोपड़ी रहवासियों द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं ने बताया कि हम कई वर्षों से वहां रह रहे हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा हमें नोटिस दिया गया है और वह हमें कहा गया है कि आप अतिक्रमण हटाएं, नहीं तो 2 दिन बाद हम आपके मकानों पर बुलडोजर से पूरा तोड़ दिया जाएगा। भीषण गर्मी में हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। इसी को लेकर हम झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई और ज्ञापन दिया कि हमें जल्द ही पट्टे दिए जाए ताकि हम दूसरा घर बसा सके। नोटिस के बाद महिलाओं में दहशत थी। महिलाओं का कहना था कि हमें समय दिया जाए ताकि हम व्यवस्थित रूप से हमारा घर बसा सके, शासन द्वारा हमें जल्द ही पट्टे दिए जाए। हम बेघर ना हो, हमारे रेलवे ने रेलवे बिल्कुल आ रही है, कल आज भी बोल के चली गई, कल बुलडोजर चल जाएगा। तो प्रधान पट्टे मिल चुके हैं वहाँ पे, अरे अगर वो रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने पट्टे क्यों दिए? फिर प्रभु ने बिल्कुल कल बुलडोजर चले गए। कितने परिवार, कितने परिवारों को नोटिस दी? सभी को नोटिस दी। घर से बेघर हो रहे हैं ना, हम लोग हमारी जमीन के लिए आए, हमको नोटिस दे दिए, रेलवे की जमीन में रह गए, हम लोग मकान तोड़ देंगे, दो दिन का बोला कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए हम लोग, पट्टा भी नहीं मिला हम लोग को, आधे लोगों को दिया, आधे लोगों को नहीं दिया। कहाँ से आए आप लोग? सियाराम चौक से। अब बताओ आप किस लिए आए? यही मकान के लिए आए, के लिए आए, हमारा घर बना है जमीन, रेलवे की जमीन पे बना है, तो ये लोग हमको तोड़ रहे हैं रेलवे वाले। क्या बोल रहे हैं? हमको घर से बेघर मत करो, यहाँ जाएंगे, दिन भर तो हम घर की मजदूरी करते हैं, खाने का करेंगे, किराए का मकान लेंगे, क्या करेंगे साहब? हम लोग बच्चे पालेंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, कुछ तो हमारे लॉकडाउन में, कुछ तो लॉकडाउन में हमारा काम धंधा ठप करके रखा है। हम चाहते कि जहाँ पहले रहते थे ना, वही मतलब वही जगह दिया जाए, हमको और कहीं नहीं जाना, हमको वही वही व्यवस्था दो हमको, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम तो बेघर हो।